अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप CITCF रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं न्यू। अगर आपका पास ऑफिसर आईडी है तब भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी कर सकते हैं अकामा कतरो। तो CITC एप्लीकेशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है, जो इसमें आपका कितना भी सिम कार्ड आपका इसमें अकामा पे निकला हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। आपका कोई भी सिम कार्ड आप यूज़ नहीं कर रहा है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। या आप कई दफ़ा हम लोग मार्केट में जाता है सिम कार्ड लेने के लिए, फिंगरप्रिंट देता है, वो लोग कहते हैं काम नहीं करते, तो आगे से ये लोग हमारा फिंगर से सिम कार्ड उठा के बाहर सेल करता है। तो वो आदमी लोग उठा के इसको यूज़ करेगा तो उसके जो भी बिल होगा, अगर प्रीपेड होगा तो है, अगर पोस्टपेड है तो जो भी बिल होगा वो हमारे अकामा पे जमा हो जाता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए तो आपको चेक करके अपना जो ज़रूरत का सिम है वो छोड़ के बाकी को बंद करना पड़ेगा। तो इसको बंद करने के लिए आपको ज़रूरी ऑफिस में जाना पड़ेगा या तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आप रूम में बैठ के कर सकते हैं। तो ऑफिस में जाने के लिए इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, जब रूम में बैठ के मोबाइल पर हो सकता है तो ऑफिस में जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसको कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा इसको आप लोग देख लीजिए। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। छोटा सा ऐप है, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके आपको चार्ज करना है इधर CITC। बस ये देखो आ गया। तो मैंने डाउनलोड करके रखा इसलिए इधर ओपन ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये जाना इस तरफ एक इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरफ जब इंटरफेस खुल जाएगा तब आपको इधर ये ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद अब ऊपर से कोने में देखे इंग्लिश करने का ऑप्शन है, आप इंग्लिश कर लीजिए। इंग्लिश करने के बाद जब आपका अकाउंट इधर बना हुआ नहीं है इसीलिए आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू अकाउंट में। जो नीचे न्यू अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद इधर से आईडी चॉइस करना है। आईडी टाइप आप अकामा डाल देना। अकामा आईडी टाइप जब चॉइस करेगा तब ये सेकेंड ऑप्शन पे आपको अकामा का नंबर देना है। तो चलिए अकामा का नंबर डाल देते हैं। अकामा का नंबर डालने हो गया। अभी ये जो है ना, इधर आने के बाद हर किसी को प्रॉब्लम होता है, जो इधर डेट है अरबी में, तो अरबी में आपको देना है। अरबी में हर किसी को पता नहीं है तो एक्सपायरी डेट क्या है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना हुआ कैसे अरबी एक्सपायरी डेट निकलेगा, उसका एक वीडियो बनाया। इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो आप लोग उधर से देख के ईजी से आप इसको आरबी कर लीजिए। तो चलिए आरबी डेट में डाल देता हूँ। इधर मैं आरबी ऑलरेडी निकल लिया है तो आरबी इसमें डेट डाल के फिर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है ना साल, अरबी में जो साल है वो पहले आप डालोगे। डालने के बाद आप महीना चॉइस करेगा, जिस महीना में है इस महीने में लेके आपको कौन सा डेट में है उस डेट में आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको नीचे तीर का निशान नज़र आएगा, जैसे खुलेगा आपका अरबी में नाम आएगा, ऊपर नीचे आपको टेलीफोन नंबर देना है। तो चलिए टेलीफोन नंबर दे देता है इधर। जैसे आप इधर टेलीफोन नंबर दे दोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे तीर का निशान, इधर क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल में OTP आएगा। जो फ़ोन नंबर आपने इधर दिया हुआ है उस नंबर पे एक OTP आएगा। तो चलिए हम OTP को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो आ गया हमारा OTP। हम अभी OTP इसमें इंटर करने वाला है। जैसे आप OTP को इंटर करेगा आपके पास ये पेज खुल जाएगा। तो आपको सिर्फ सिंपल से इधर नंबर वन ऑप्शन अरगामी, जो नंबर वन ऑप्शन में है, इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेगा, आपको दिखाएगा ओपन सर्विस ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली जो है ना आपका जितना भी सिम कार्ड है इसमें सारा आ जाएगा। और अभी इस सिम कार्ड को कैसे आपको डिलीट करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देख लिए आप लोगों ने कितना इजी से आप लोग इसको देख सकते हैं जो आपका अकाउंट में कितना सिम कार्ड है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक किया। तो इसको कैसे डिलीट किया जाएगा इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम।